नमस्कार साथियों, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी छात्रों को बताऊंगा जिनको IGKVA के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट नहीं मिला है। तो उन सभी छात्रों को बताना चाहता हूं कि उनको सेकेंड राउंड काउंसलिंग इस बार नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए पहले हम टाइम टेबल देखते हैं, शेड्यूल देखते हैं कि स्पॉट राउंड एंड कन्वर्जन राउंड काउंसलिंग कब होगा। तो आप देख सकते हैं सामने, स्पॉट एवं कन्वर्जन काउंसलिंग हेतु पंजीकृत अभ्यर्थी की जो सूची है IGKVA के ऑफिशियल वेबसाइट में 20 सितंबर को अपलोड होगी। और इस सूची में वही लोग आएंगे जिन्होंने स्पॉट एवं कन्वर्जन राउंड के लिए अप्लाई किए रहेंगे। उसके बाद उन सभी बच्चों को प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय का जो आवंटन है वो 25 से 27 सितंबर के बीच होना है। और उन सभी बच्चों को जिनको 25 सितंबर से 27 सितंबर के बीच कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, उनको तत्काल वहां पे दस्तावेज का परीक्षण कराना है और ऑनलाइन फीस जमा करके कृषि महाविद्यालय रायपुर में उपस्थित होना है। वहां पे आपको ऑनलाइन फीस पे करने की सुविधा दी जाएगी। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनको साफ साफ यहाँ पे लिखा है नो सीट अलॉटेड, इनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। इन सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोगों को अप्लाई फॉर स्पॉट एम कन्वर्जन काउंसलिंग में सेलेक्ट करना है 17 सितंबर के पहले। अगर ये सेलेक्ट नहीं करेंगे, मतलब स्पॉट एम कन्वर्जन काउंसलिंग में अप्लाई नहीं करेंगे, तो इनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। और जो यहाँ पे लिस्ट आने वाला है कन्वर्जन काउंसलिंग में कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं 20 सितंबर को, इसमें इनका नाम नहीं रहेगा। तो इन सभी बच्चों को जिनको सीट नहीं मिला है उनको अप्लाई फॉर स्पॉट एम कन्वर्जन काउंसलिंग में क्लिक करना है। यहाँ पे हमको 17 सितंबर पहले क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका बेसिक डिटेल, आपका डेट ऑफ बर्थ, रैंक, कैटेगरी रैंक, आपका नाम, फादर्स नेम, जेंडर, बेसिक डिटेल, ये सब आ जाएगा। उसके बाद देखिए एडमिशन डिटेल में आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो 11 तारीख को हुआ था उसमें सीधा आपको लिखा है कि नो सीट अलॉटेड। आपने पार्टिसिपेट तो किया लेकिन आपको कोई सीट नहीं मिला है ना, और आप जो हो एलिजिबल हो नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। तो हम यहाँ जब एलिजिबल हैं तो हमको यहाँ क्लिक करना है नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हमको देखिए क्लिक करते हैं कि मैं सुनिश्चित करता हूँ कि मैं स्पॉट एंड कन्वर्जन काउंसलिंग भाग लेना चाहता हूँ। यहाँ पे हमको अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड एंड कन्वर्जन काउंसलिंग में क्लिक करना है। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आगे की चरण की काउंसलिंग है, आगामी चरण काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ। तो जिन बच्चों को सीट नहीं मिला है वो अप्लाई फॉर स्पॉट एंड कन्वर्जन काउंसलिंग में जाके अप्लाई करें और स्पॉट एंड कन्वर्जन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लेटर को डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको शो हो रहा है स्पॉट एंड कन्वर्जन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लेटर, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। आप लोग को लिखा है कि डेट ऑफ स्पॉट एंड कन्वर्जन काउंसलिंग में 25 सितंबर से 27 सितंबर के बीच आपका स्पॉट एंड कन्वर्जन काउंसलिंग होगा। अब आपको रायपुर जाना है IGKVA और आपको अपने साथ फीस भी लेके जाना है ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट में। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वहाँ पे? तो यहाँ पे आपको 10वीं का मार्कशीट लगेगा, 12वीं का लगेगा, PAT का मार्कशीट लगेगा, छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र लगेगा, स्थाई जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो नॉन क्रीमी लेयर में आता है। उसके बाद जिसका कृषक है उसके पास कृषक सर्टिफिकेट उसको देना है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद जब सीट खाली रह जाते हैं उसके लिए पहले सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग होता था, लेकिन 2023 में इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद डायरेक्ट स्पॉट राउंड काउंसलिंग, स्पॉट काउंसलिंग एंड सीट कन्वर्जन काउंसलिंग होगा। तो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग क्या होता है। फर्स्ट राउंड के बाद जितना भी सीट खाली रहता है उसके लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग होता है। इसके लिए वही लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने स्पॉट राउंड काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अप्लाई किया था, जो कि मैंने अभी पहले बताया है। दूसरा रूल क्या है देखिए, इसमें वे अभ्यर्थी भी भाग ले पाएंगे जिन्हें प्रथम चरण की काउंसलिंग में सीट आवंटित तो हुआ था परंतु उसने फीस जमा नहीं कर पाया या फिर दस्तावेज परीक्षण में वो नहीं आया था। तो फीस जमा नहीं कर पाने की स्थिति में या फिर दस्तावेज का सत्यापन में उपस्थित ना होने के कारण सीट जो आवंटित हुई थी वो निरस्त हो गई, ऐसे अभ्यर्थी, ये दो टाइप के जो अभ्यर्थी हैं वो भी स्पॉट राउंड काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जिनको सीट मिला था
लेकिन वो जब फीस पेमेंट करे उसके पहले फ्रीज प्लॉट मांगता है, तो उसने जब फ्लोट किया, फ्लोट करने के बाद जब वो अप्लाई किया कि मेरे को सीट कन्वर्जन और स्पॉट राउंड में अप्लाई किया है और पार्टिसिपेट करूंगा, ऐसे अभ्यर्थी को स्पॉट राउंड में मौका मिलता है। जिनको स्पॉट काउंसलिंग में सीट मिलेगा उनको वहाँ पे वेरिफिकेशन कराना है, उनको वहाँ पे फीस पेमेंट करना है। तो स्पॉट काउंसलिंग में मेरिट के आधार पर सीट आवंटित किया जाता है, आपके ऑल ओवर रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट अलॉटमेंट कॉलेज अलॉटमेंट होगा। स्पॉट काउंसलिंग की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक सारी सीटें भर ना जाए, ठीक है। स्पॉट काउंसलिंग की समस्त प्रक्रियाओं की जानकारी काउंसलिंग स्थल पर प्रदान की जाएगी। जो भी डिटेल है, जो भी इंफॉर्मेशन है स्पॉट काउंसलिंग के बारे में, वहाँ आपको IGKV कैंपस में जहाँ पे आप काउंसलिंग होता है वहाँ पे बताई जाएगी। सीट आवंटित करने के पश्चात तत्काल सीट सुनिश्चित करने हेतु शुल्क का भुगतान करना होगा एवं दस्तावेज का सत्यापन करवाना होगा। अब आपको सीट मिल गया, सीट अलॉटमेंट के बाद आपको पेमेंट करना है तत्काल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अब आगे चलते हैं। अभ्यर्थी स्पॉट काउंसलिंग में सीट प्राप्त होने पर प्रथम सेमेस्टर शुल्क का भुगतान जिस महाविद्यालय में सीट प्राप्त हुई है उसके अनुसार ऑनलाइन भुगतान करना है। और यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट कॉलेज सीट के लिए आपको 8,954 रुपीज़ पे करना है वहाँ पे, और प्राइवेट कॉलेज का अगर कॉलेज मिला है आपको प्राइवेट कॉलेज, तो आपको 27,315 रुपीज़ पे कमेंट करना है। अगर आपको SFS का सीट मिलता है सेल्फ फाइनेंस सीट, तो आपको 50,500 पेमेंट करना है। आप किस मेथड से पेमेंट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको POS मशीन मिलेगा वहाँ पे, या फिर आपको वहाँ पे UPI और QR का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको वहाँ पे स्कैन करके या फिर UPI के थ्रू पेमेंट करना है। पिछले सालों में स्पॉट एंड कन्वर्जन काउंसलिंग में डिमांड ड्राफ्ट लगता था, चेक के द्वारा पेमेंट होता था, लेकिन इस बार इस चीज़ को हटा दिया गया है। UPI QR के माध्यम से वहाँ आपको पेमेंट करना है। इस काउंसलिंग में फ्रीज और फ्लोट एवं स्पॉट काउंसलिंग ऑप्शन का चयन फीस भुगतान के समय ही करना होगा। जब आप स्पॉट काउंसलिंग में जाएंगे, फीस पेमेंट करेंगे, वहां पे आपको फ्रीज फ्लोट और स्पॉट काउंसलिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद देखिए आगे का नोटिफिकेशन क्या है। सीट आवंटन के पश्चात आपको जब सीट अलॉटमेंट होगा उसके बाद यदि निर्धारित समय पर अभ्यर्थी काउंसलिंग कमेटी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उस दशा में अभ्यर्थी को सीट आवंटित स्वतः निरस्त हो जाएगी। मान लो आपका लिस्ट में नाम आया है, आपने अप्लाई किया है, लिस्ट में नाम आया, आपको सीट अलॉटमेंट हो गया, लेकिन आप वहाँ पे ना DVC कराए ना पेमेंट कराए, इस परिस्थिति में आपको जो सीट है निरस्त हो जाएगा। और निरस्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी काउंसलिंग की आगामी चक्र में अगर भाग लेना चाहता है, आपको फिर अगर आगे अटेंड करना है, तो उसे काउंसलिंग स्थल पर काउंसलिंग कमेटी के समक्ष आवेदन करना होगा, ठीक है। और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल वहाँ पे जो काउंसलिंग करते हैं काउंसलर लोग वो आपको ज़्यादा अच्छे से जानकारी देंगे। तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग में आप गलती ना करें, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है ये। वहाँ पे आप उपस्थित रहें और हर एक नोटिफिकेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेते रहें। स्पॉट काउंसलिंग में सीट निरस्त का ऑप्शन नहीं होगा एवं किसी भी परिस्थिति में फीस वापस नहीं होगा। अगर आपको सीट मिल जाता है, आपने पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट करने के बाद ना आपको फीस वापस होगा ना ही आपका सीट कैंसिल या विड्रा होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें।